Ladies and gentlemen, James Gunn. हे गाइस, वेलकम टू द आरएनजी मीडिया। तो गाइस, कंफर्म हो चुका है कि गार्डियन द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 आ रही है, जिसे जेम्स गन डायरेक्ट कर रहे हैं, जो गार्डियन द गैलेक्सी 1 और 2 के डायरेक्टर रह चुके हैं। इस मूवी को एवेंजर इन्फिनिटी वॉर के बाद रिलीज करा जाएगा और 2020 में रिलीज करा जाएगा। और एवेंजर इन्फिनिटी वॉर के बाद जो हादसा हुआ होगा तो गार्डियन द गैलेक्सी में क्या असर पड़ेगा, तो वो तो दिखाना बहुत जरूरी है, तो इसलिए तीसरा पार्ट बनना है। तो काफ़ी दमदार मूवी होने वाली है एंड इसे मई के महीने में रिलीज़ करा जाएगा स्पाइडरमैन होमकमिंग से पहले। मतलब स्पाइडरमैन होमकमिंग का दूसरा पार्ट भी आ रहा है, जैसे मैंने आपको पहले वीडियो में बता चुका हूँ। तो गाइस, काफ़ी दमदार मूवी है एंड इसमें न्यू कैरेक्टर की और इन्फॉर्मेशन मिली है। मतलब आप जैसे जानते होंगे गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी 2 में जो मेंटिस नई कैरेक्टर आई है, और भी नए नए कैरेक्टर जुड़े हैं जो अभी तक पिक्चर रिलीज़ नहीं हुई, देखा नहीं हमने ऐसा भी। पर गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी में 3 में न्यू कैरेक्टर आएंगे, जिससे कि एवेंजर 5, पता चला कि एवेंजर 5 भी आने वाली है, पर वो 2022 में रिलीज़ होगी एवेंजर 5। तो गाइस, काफ़ी मज़ा आने वाला है। ये मूवी काफ़ी दमदार और एक्शन से भरी होने वाली है और जेम्स गन इसे वैसे डायरेक्ट कर रहे हैं, जिन्हें यानी कलर से खेलना और क्रिएटिविटी करना काफ़ी अच्छा लगता है। जो आप गार्डियन ऑफ गैलेक्सी में देख चुके हो कितना, मतलब उनकी एनिमेशन कितनी बढ़िया है इस मूवी में। तो गाइस, मज़ा आने वाला है। और गाइस, आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ यार लाइक कमेंट शेयर करो, और जो बंदे इस वीडियो को नहीं देख रहे हो यार, उस पर स्मैश करो यार, घूसे मारो, लात मारो, मुझे नहीं पता, बस सब्सक्राइब हो जाना चाहिए।